No, 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 no. I'm not speaking about religion. I'm not speaking about politics. I'm not speaking about science. मैं सिर्फ सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ. यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है. मेरे एक प्रोफेसर साहब मुझे अक्सर हाजिरी लगाने के बाद क्लास से निकाल दिया करते थे. मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहने लगे कि यार तुम सवाल बहुत करते हो, पढ़ाने नहीं देते. तो मैं आज एक सवाल आपके साथ भी करने जा रहा हूँ. 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस. इसमें अगर हिस्टोरियन का मुताला किया जाए तो इंडियन और पाकिस्तान दोनों हिस्टोरियन कहीं कहीं मुत्तफिक नज़र आते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नहीं है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. दौरे हाजिर में के अजीज़ किताब लिखता है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, तो वो ये मानने से ही इनकार ही है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को बना. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. अगर के अजीज़ साहब 14 अगस्त पे एग्री नहीं हैं तो बहुत सारे लोग एग्री हैं, तो इसका मतलब यह है कि सच क्या है. थोड़ा आगे आए 71 ईस्ट पाकिस्तान डायलेमा. मुजीबुर्रहमान शामी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो. नो 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 नो. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट रिलीजन. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट पॉलिटिक्स. आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट साइंस. मैं सिर्फ सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ. तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. आप लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं. खैर, इंटरनेट ने तो क्रेडिबिलिटी पर बहुत इशू सवालात खड़े कर दिए हैं. आगे आए 90s, कारगिल का महाज. सिपा सलार एक बात कहते हैं, वजीर आजम दूसरी बात कहते हैं. जहाँ तक रही सहावत, वो इफ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर यू आर अनइन्फॉर्म्ड, इफ यू डू रीड इट यू आर मिसइन्फॉर्म्ड. व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन? वन ऑफ द इफेक्ट्स इज द नीड टू बी फर्स्ट, नॉट इवन टू बी ट्रू एनीमोर. थोड़ा सा और आगे आ जाए, कुछ साल पहले की बात है, मॉडल टाउन लाहौर में ताहिर कादरी साहब के कुछ लोग मारे गए. उसके बारे में भी पता नहीं. मैंने ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं, ब्रीक ब्रीक पे जाऊंगा तो बहुत कुछ है. इस दौर में जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया तो खैर एक ओशन बन गया, वो एक बहुत जो है ना वो अनस्टॉपेबल स्टॉर्म है. तो इसके बावजूद भी मुझे नहीं पता सच क्या है, और मेरे पास कोई तरीका भी नहीं है. या तो फिर ये कहना चाहिए कि देर इज़ नो रियलिटी एज देर आर ओनली परसेप्शंस. तो या फिर जो कुछ जो बताएगा वही हम मान लेंगे, तो जो जिसने बताया वही सच. किसी भी केस में कोई भी सिनेरियो आप उठा ले, तो कतई तौर पे किसी चीज़ को गलत या किसी चीज़ को ठीक नहीं कहा जा सकता. अगर नहीं कहा जा सकता तो फिर सवाल क्या है? सवाल ये है कि फिर लोग 1200, 1400, 1500, 2000 साल पहले की वाकयात को कैसे कतई तौर पे ठीक समझ लेते हैं? और वो दौर तो वो था कि जब एक बात दूसरी एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचने के लिए शायद कई दिन लग जाते हों, घोड़ों पे ऊँटों में सवार करते थे, सवारी करते थे लोग. कोई अफवाह है वो भी फैल जाती है. सच झूठ का कैसे तायुन किया जा सकता है? लोगों से भी मेरा ये सवाल है कि हम कैसे 1000 साल पुराने किसी किस्से को, किसी वाक़े को हतमी जानकर, कतई जानकर एक एक्स को गलत और एक वाई को सही कह सकते हैं? किसी को सही और गलत कहने का मेरे पास क्या जरिया है, क्या मैार है? मैंने तो आपको बताया पिछले 70 साल में 4 मिसालें मोटी मोटी दे के कि इनमें अब फैसला नहीं कर पा रहे. आम आदमी क्या पता, आम आदमी को क्या पता है, क्या जानता है आम आदमी? तो आप इस सवाल के जवाब में कमेंट्स कीजिए. हम किसी वक्त फिर इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे. तब तक के लिए आप ख्याल रखिए. अल्लाह निगहबान.